उदयपुर से बड़ी खबर जानी है, जहां पर कांस्टेबल द्वारा हफ्ता वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। झल्लारा इलाके में कांस्टेबल वसूली कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल है। इंटाली खेड़ा पुलिस चौकी का एक कांस्टेबल है, जो कि रेस्टोरेंट संचालक से हफ्ता मांग रहा था। कांस्टेबल ने बड़े अधिकारियों तक हफ्ता पहुंचाने की बात भी कबूली है। रेस्टोरेंट संचालक से हफ्ता वसूली का ये पूरा वीडियो है, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल है। वीडियो में कांस्टेबल 500 से 700 रुपए हफ्ता मांग रहा है। कितना मतलब कितना देना पड़ता है हफ्ता? ये देंगे अभी तक आपको का ये नहीं देना? नहीं, मतलब थाने में भी देना ना, आपको भी देना ही हो? हमको तो देना है, ये हमारे चौकी का मामला है, हमारे अंदर में ही है। हम क्या तो पहले वो 700 रुपए को दे रहा है, सुदामा 700 वाला दे रहा है, 700 दे रहा है, 700 सुदामा वाला दे रहा है। और ये पास वाला कितना ये दे रहे हैं? 500 रुपए हर साहब को दे रहे हैं, 300 मेल को दे रहे हैं, 800 रुपए ये दे रहे हैं, ये 800 को दे रहा है। भाग अभी मेरा कहीं दो दो महीने में दोनों के दे दिया, अभी तक एक बार भी नहीं दिए। ग्राहकी भी डीम है यार, उस हिसाब से ग्राहकी अंदर भी मैं आया करने आया था। आप खुद देख रहे हो, कभी आए हो देखा? मतलब अभी अभी ग्राहकी नहीं आपको सेटल का क्या रहा है? ठीक है, नहीं दिया अभी नहीं देंगे, मतलब ऐसे में से देखेंगे क्योंकि रात में साफ रहते हैं। अभिषेक जोशी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जोशी, ये जो वीडियो टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें कांस्टेबल है, रेस्टोरेंट संचालक से वो हफ्ता वसूल रहा है। अब जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से कांस्टेबल का रिएक्शन सामने आया, पुलिस विभाग इस पर क्या कह रहा है, कैसे एक्शन होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये झल्लारा इलाके के इंटाली खेड़ा चौकी का ये वीडियो है, जहां आसपास के जो रेस्टोरेंट से उसे चलने देने के लिए या देर अब तक खुले रहने के लिए या वहां किसी तरह की पुलिस परेशान न करे, इसके लिए जो है वो कांस्टेबल द्वारा ये वसूली की जा रही थी, हफ्ता वसूली कर रहा था। तो जो एक रेस्टोरेंट संचालक है रमेश मीणा, उसने इस वीडियो को बनाया और उसके बाद ये वीडियो जो है वायरल हुआ है। ये वीडियो कुछ 2-4 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे अब वायरल हुआ है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जो विकास शर्मा है उदयपुर के, उनको भी लोगों ने शिकायत की है, उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और वो भी इस पर जल्द कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में जो कांस्टेबल है वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए, उसने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से मना किया है। और वहीं जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेबल है वो 300 रुपए की बात करता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं बता रहा है कि जो कांस्टेबल है उसे 300 रुपए और जो इसके ऊपर का पद है जो हेड कांस्टेबल है उनके 500 रुपए की बंदी का जो खेल है वो इसके द्वारा कांस्टेबल द्वारा बताया जा रहा है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और काफी लोग जो है वो पुलिस की किरकिरी भी यहाँ पर हो रही है, और एसपी जो है उदयपुर के वो भी इस मामले पर जल्द संज्ञान ले सकते हैं। अभिषेक, बात तो ये भी है कि वीडियो में कांस्टेबल दिख रहा है, एक रेस्टोरेंट संचालक है, लेकिन ये अकेला रेस्टोरेंट संचालक तो होगा नहीं, ऐसे तो जगह जगह से ये कांस्टेबल वसूली करता होगा, क्या वो लोग सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद लोगों में थोड़ी हिम्मत भी बनी है, और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो कांस्टेबल है वो खुद ही बोल रहा है कि आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सब से बंदी जाती है। इस वीडियो के अंदर जो कांस्टेबल है जो खुद वसूली करने आया है वो उस रेस्टोरेंट संचालक से ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि आसपास के दुकानदार जो हैं वो भी 500 रुपए हेड कांस्टेबल के और 300 रुपए कांस्टेबल के नाम की हफ्ता देते हैं, जो कि आपको भी देने होंगे। ऐसे में जो दुकानदार है उसने ये बात भी की है, मिन्नतें भी की है कि अभी धंधा ठीक नहीं चल रहा है, धंधा मंदा भी चल रहा है, ग्राहक ही नहीं है, लेकिन उसे इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने हफ्ता वसूली से मतलब है। और वो जो कांस्टेबल है वो खुद के 300 और हेड कांस्टेबल के 500 रुपए की डिमांड करता है नजर आ रहा है। डिमांड कर रहा है, और भी ऐसे कई रेस्टोरेंट संचालक हैं जहां पर हफ्ता वसूलने का काम ये कांस्टेबल करता है, लेकिन अभिषेक ये बात गले से नहीं उतरती कि अकेला यही एक कांस्टेबल होगा, पुलिस विभाग में ये पैसा बंटता भी होगा और न जाने कितने पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो एक वीडियो सामने आया है, क्योंकि पुलिस कर्मियों से आम तौर पर जो व्यापारी हैं वो डरते हैं, उन्हें पता है कि हमें यहाँ रोज व्यापार करना है और अगर किसी पुलिस वाले से पंगा लिया या उसकी शिकायत की तो धंधा उनका खराब हो सकता है। इसके डर से जो है वो रेस्टोरेंट संचालक हो गए या कोई सामान्य व्यापारी हो गया वो कभी पुलिस के खिलाफ नहीं जाता, और पुलिस जो 200-300-500 रुपए अगर पुलिसकर्मी मांगते हैं तो लोग उसे आसानी से दे देते हैं। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के
बाद हो सकता है कि कई लोग निकल कर सामने आए, और पुलिस विभाग भी जो है, जो पुलिस कप्तान है, वो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले, ताकि दूसरे पुलिस कर्मियों को सबक मिले कि हमें इस तरह से चौथ वसूली करना छोड़ना होगा। और जो ये ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमेशा इस तरह की वसूलियां करते हैं, ऐसी शिकायतें भी पुलिस विभाग पर कई बार लोगों की देखने को मिली है। ऐसे में एक बड़ा एक्शन अगर उदयपुर पुलिस द्वारा यहाँ लिया जाता है, तो ये उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स और उन तमाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए एक सबक होगा, और जो उदयपुर के जो व्यापारी हैं उन्हें इस चौथ वसूली से राहत मिल सकती है। ठीक है अभिषेक, नजर आप रखिएगा, चूंकि पुलिस की मिलीभगत से ही ये सब कुछ हो रहा होगा, इस तरह का अनुमान है, लेकिन अधिकारी इस पर क्या सफाई पेश करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं और कैसे इस तरह की घटनाओं को रोकते हैं, इस पर नजर आप रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया फिलहाल। आगे बढ़ेंगे और आगे